नहीं उतना तो मालूम रहता है सर, हम लोग को ज्योलॉजी का स्टडी करके ही आते हैं, तो वो तो मालूम रहता है कि कितने मीटर में मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली हम लोग फ्लोर प्लान बनाते हैं, वो ये बनाते हैं जी। तो उसमें आप ये देखेंगे कि कम से कम जो है इसके बेसन या सिफ्टिंग हो जी की कास्टिंग ना आए जी, ये सब तो आपने इतना हटाया जी, इतना हटाने से कास्टिंग को भी जी जी कम हटाएं और ज़्यादा कोयला कोयला जी। तो कॉस्ट सर मतलब अभी जो हम लोगों का सिनेरियो है सर कि ये वाला पार्ट में ना मतलब बहुत ओबी है, नेचर का डिपॉजिट ही ऐसा है सर यहाँ बहुत ओबी है। हम लोग क्या करते हैं कि सर वो जो जो आप अभी आप ड्रिल देख रहे हैं सर वो यहाँ शावर की जस्ट ऊपर वो पूरा कुलसी में, इसीलिए इसको सबसे पहले लोग टारगेट करते हैं कि ये मिल जाए, ये 10 मीटर की सीम है तो कोल का टनेज भी होता है सर और कंपनी को भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट आयश आयश कम होता जी आयश, और ये जितने नीचे होगा कोल क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। जनरली सर ऐसा नहीं है, कहीं अच्छा है कहीं बुरा है, कोयला मिला और ये मिला, स्टेटिक्स क्या कहता है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे कोल क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी अच्छा नहीं सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली सर देखिए हमने ये बोला ना थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखिएगा जो